अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाकरा डॉट जोन। आज की वीडियो में भी हम एक बाइक को मॉडिफाई कर रहे हैं। बाइक का काफ़ी सारा हम काम कर रहे हैं आज की वीडियो में भी। सुजुकी GS150 है, और वैसे तो आजकल सुजुकी GS150 जो है बहुत नायाब होती चली जा रही है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो आजकल बहुत सारी बाइक्स, मतलब कि जिस तरह पहले होता था, हर रोज़ एक दो अप्लाइड फॉर बाइक आती थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक आती थी काम होने के लिए, आजकल वैसा नहीं है। आजकल यही है कि लोग किसी से कुछ 5,000 चली हुई बाइक ले ली, 6,000 चली हुई ले ली, 15,000, तो यूज़ बाइक आजकल आ रही है काम करवाने के लिए। तो आज भी हम GS150 का ही काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यार बहुत अच्छी और कमाल कुछ LED लाइट्स हमने लगाई हैं बाइक को। तो वो लाइट्स कौन सी हैं वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है, और बाकी जो काम हमने इस बाइक का किया वो भी इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। काम मैंने तकरीबन सारा कर लिया, उसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है जो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो है बाइक के जो ओनर हैं मोबीन भाई, तो बाइक लेके आए थे, उनका रिव्यू आपसे शेयर करूंगा वीडियो के स्टार्ट में ही। उसके बाद आपको दिखाऊंगा बाइक का क्या क्या काम होने वाला है। तो मोबीन से भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोबीन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं करेक्शन कर दूँ, मेरा नाम मुजम्मिल है। अच्छा, मैं इतनी देर से मोबीन के जा रहा हूँ। तो भाई बस मुजम्मिल भाई हैं ये। मुजम्मिल भाई, क्या हाल है? ठीक है जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैं आया था शहबाज भाई के पास अपनी GS150 SE, तो शहबाज भाई से काम करवाया इसका, डिफरेंट इसकी वायरिंग करवाई है, बेसिक वायरिंग करवाई है, उसके बाद रिलेस वगैरह जो शहबाज भाई की स्पेशलिटी है वो लगाते हैं, उसके बाद इसकी बिनाडो की है हेडलाइट की वायरिंग उन्होंने अलहदा से सेपरेट की है। उसके बाद मैंने कुछ LEDs थी इसकी विजिबिलिटी के लिए जो है वो मैंने लगाई हैं शहबाज भाई से, और जो शहबाज भाई ने काम किया वो अपने मुंह से खुद बोलेगा कि उन्होंने क्या काम किया, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुतमईन हूँ कि शहबाज भाई ने जो भी काम किया है, और परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है। ख़ासकर मुझे जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी LEDs की है, जो एक्स्ट्रा लगाई हैं टूरिंग के लिए, जो मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करवाई हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और ये है कि सबसे जो अच्छी चीज़ लगी है कि जो सामने से आने वाली गाड़ी है उसको तंग नहीं कर रही, कि मतलब उसको विजिबिलिटी का इशू नहीं है। मेरी विजिबिलिटी तो क्लियर है ही, लेकिन जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी विजिबिलिटी जो है वो उसको तो डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो सबसे अच्छी बात ये है। बाकी मैं मुतमईन हूँ काम से बहुत। मुजम्मल भाई जो हैं ये यामाहा बाइक के यूज़र हैं, इनके पास यामाहा बाइक है YBR-G जो कि अभी भी इनके पास है, लेकिन इन्होंने टूरिंग के लिए GS150 भी ली है। इस पर हम अलग से एक वीडियो लाजमी बनाएंगे, इनका रिव्यू जानेंगे YBR-G और GS150 के बारे में। लेकिन उससे पहले इनको थोड़ी GS150 चलाने का मौका देते हैं, थोड़ी सी चला लें फिर हम इनसे जानेंगे। जी बिल्कुल। तो ये देखें, इस वक्त मैं आपको 1x1 चेक कराता हूँ। ये जो मैंने नीचे LED लाइट्स लगाई हैं उनकी थ्रो है, ये देखें बाइक के ऊपर बैठ कर मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, जो नीचे लगाई हैं शॉक्स के ऊपर नंबर प्लेट के साथ, ये है उसकी येलो पे। हमने कुछ इस तरह से सेटिंग की है कि मोस्टली हम जो है ज़्यादातर येलो जो रोशनी है येलो कलर उसको यूज़ करेंगे, इसी वजह से थोड़ी ऊपर रखी है येलो। ये देखें, और मैं आपको ऊपर वाली डायरेक्ट ऑन करके चेक कराता हूँ जो ऊपर लगाई है, ये ऊपर वाली की थ्रो है। चेक करें आप कितनी अलग किस्म की आ गया, ऐसे कि जैसे एक दिन ही चढ़ गया, रात है ही नहीं। और साथ में नीचे वाली ऑन करता हूँ तो ये चेक करें, ये थ्रो बन रही है इस बाइक की, ये इस जगह से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये चेक करें आप। इससे ज़्यादा आपको क्या परफॉर्मेंस चाहिए होती है लाइट्स की, मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अभी फिर से मैं आपको 1x1 चेक करवा देता हूँ। ये पकड़े मैं बाइक बड़े स्टैंड पे लगाता हूँ, अभी मैं बाइक के ऊपर बैठ के आपको जो है, अभी मैं बाइक के ऊपर बैठ के आपको चेक करा रहा था, अभी मैं बाइक को लगाता हूँ बड़े स्टैंड पर और अभी से आपको 1x1 चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने शॉप से ऊपर LED लाइट्स लगाई हैं ये उनकी थ्रो है। ये बाइक के साथ से आपको खड़े होकर चेक करवा रहा हूँ, आगे जाके आपको LED लाइट्स भी चेक कराता हूँ कौन से वाली हैं। ये देखें, ये शेलान की LED लाइट्स हैं, ये मैं जल्दी ही आपको अपनी बाइक पे लगा के भी इनके थ्रो चेक करवाने वाला हूँ, तो वो भी आपको चेक करवाऊँगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस है। अभी मैं आपको जो ऊपर हैं 3-in-1 उनकी परफॉर्मेंस चेक कराता हूँ 1x1। ये देखें, ये उसकी परफॉर्मेंस है। आपको फ्रंट से LED लाइट चेक करवाता हूँ, ये देखें
ये आपको ऑन होती हुई दोनों नज़र आ रही होंगी, और फ्रंट से अगर चेक कराऊँ तो फ्रंट से ये चीज़ बना रही है। ये देखें, यहाँ से ये है, और अगर यहाँ पे मैं खड़ा होके इसे देखता हूँ तो उस हिसाब से ये आंखों में मेरी नहीं पड़ रही है। मुझे प्रॉपर एलईडी लाइट की बैक साइड पे मेरी दुकान तक सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये लोगों को तंग नहीं करेगी। और दोनों ऑन करता हूँ अभी मैं, ये दोनों ऑन कीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होगी। मैं डिफरेंट एंगल से राइट लेफ्ट होकर दोनों साइड से आपको चेक करा रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से पता चल जाए। अब मैं बाइक के साथ नीचे बैठ के आपको चेक कराता हूँ ग्राउंड से इसकी आपको थ्रो कैसी नज़र आ रही है। ये देखें, ये बिल्कुल बाइक के टायर के साथ नीचे बैठ के मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, तो नीचे से भी आप चेक करें कहाँ से ये बाइक का टायर टायर के थोड़ा आगे से चेक करें, थ्रो बनना शुरू हो गई और वो दूर तक गई है। ये बिल्कुल नीचे से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, और ऊपर से अभी दोनों ऑन किए। फ्रंट से जाके आपको चेक करवाता हूँ दोनों ऑन करके, आंखों में पड़ रही है कितनी, आंखों में पड़ रही है क्या हिसाब किताब है। ये बाइक से थोड़ा दूर आके मैं खड़ा हूँ और यहाँ से आपको चेक करवा रहा हूँ। चेक करें आप, तो अभी मैं इसकी जो हेडलाइट मैंने ज़नाटो की लगाई है वो ऑन नहीं की है, वो भी अभी ऑन करता हूँ। तो अभी मैंने ज़नाटो को भी ऑन कर दिया है हाई पे। तो इस वक्त इसमें मैंने जितनी भी एलईडी लाइट्स लगाई हैं सारी की सारी इस वक्त ऑन है। अब आपको फ्रंट से एक डेमो देता हूँ, फिर से आपको चेक कराता हूँ फ्रंट से क्या लुक आ रही है इस वक्त। तो ये लुक आ रही है इस बाइक की फ्रंट से। मैं अच्छा खासा बाइक से दूर आके खड़ा हो गया हूँ और आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि उस हिसाब से ये फ्रंट पे आंखों में नहीं पड़ रही है। आपको ये इसके अंदर से वो बैक साइड पे मेरी शॉप भी नज़र आ रही होगी, मेरी शॉप का बोर्ड भी नज़र आ रहा है, सारा कुछ नज़र आ रहा है कैमरे की आंख से। अगर कैमरा दिखा रहा है तो उसका मतलब है कि ये आंखों में उस हिसाब से नहीं पड़ रही है। अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो फिर आंखों में पड़ती है, ठीक है। रेंडमली जब बाज़ार से गुजरेंगे तो उसका यही होगा ना कि चलते फिरते लोग जो होंगे उनकी आंखों में नहीं पड़नी चाहिए, तो चलते फिरते लोगों की आंखों में ये वाली एलईडी लाइट्स दोनों जो हैं वो नहीं पड़ने वाली हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार ये वाली दोनों लाइट्स बहुत अच्छी हैं, लोगों की आंखों में भी नहीं पड़ेंगी, लोगों को तंग भी नहीं करेंगी। अगर हम वैसे बाइक के जो मुबीन भाई हैं उनसे पूछते हैं, उनको ज़रा फ्रंट पे खड़ा करते हैं। मुबीन भाई सामने आए ना एक मिनट, और मुझे और पीछे जाएँ, और पीछे जाएँ। ये देखें, ये पीछे जा रहे हैं। अभी इनसे मैं पूछूंगा कि यार इनकी आंखों में ये लाइट पड़ रही है या नहीं पड़ रही, और पीछे जाएं। ये देखें, अभी इनसे जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी आंखों में ये लाइट पड़ रही है? नहीं। आपको क्या लगता है कि सामने से आने वाले जो लोग हैं उनको जो तंग? नहीं, ये बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हुई हुई है, और इसमें जो सामने से आएगा उसकी उसको विजिबिलिटी का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं क्लियरली देख सकता हूँ। मुझे ये पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है सामने, लेकिन ये है कि मैं देख सकता हूँ उसके पार भी कि कोई चीज़ जो है वो। आप ये देखिए ना कि आप इसके उस साइड पे बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, ये आंखों में नहीं पड़ रही है। तो ये चीज़ मुझे जो इस लाइट में बहुत अच्छी लगी है, नीचे वाली भी ऊपर वाली दोनों में। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप वीडियो को लाइक करें, नहीं लगी तो भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। ये देख रहे हैं आप पीछे कौन बैठा हुआ है? उसामा। तो अभी हम उसामा से गपशप करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को इन्जॉय कर लिए, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।